बजट के पूर्व सामान्य परिपाटी रही है कि पिछले वित्तीय वर्ष का जो रनिंग करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए अभी आर्थिक सर्वेक्षण हमने विधानसभा के पटल पर रखा है और कल बजट हमारी सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व वाली सरकार कल बजट प्रस्तुत करेगी। जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं उन्हें मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहता हूं। ये आर्थिक सर्वेक्षण वेबसाइट पर भी आधा घंटा के अंदर डल जाएगा, उससे भी आप लोग सारे आंकड़ों को पूरी पारदर्शिता के साथ देख सकते हैं। वर्ष 2022-23 में जो हमारी GDP 3,02,100 करोड़ रुपये थी, वहाँ से बढ़कर 2023-24 में 3,21,900 करोड़ रुपये हो गई है। और इस तरह से जो GDP की विकास दर रही है वो कांस्टेंट प्राइस पर स्थिर भाव पर 6.56% रही है, जबकि हम उसी को भारत के हमारे देश के पूरे देश भर के GDP की तुलना करें एग्रीगेट का तो भारत की हमारे देश की GDP वृद्धि की दर 7.32% रही है। इससे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन रही है, उसकी विकास की गति धीमी रही है। जो GSDP है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 3.23% का उसमें वृद्धि देखी गई है। जो हमारे अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे कृषि क्षेत्र भी हम कहते हैं। कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वो 3.23% है और जो उद्योग क्षेत्र की विकास दर है वो 7.13% है और सेवा क्षेत्र में जो विकास दर है वो 5.02% है। और GDP में इसका जो योगदान है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें GDP में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र का योगदान हमारे छत्तीसगढ़ के GSDP में 5.32% की है। उद्योग क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के GSDP में 53.5% का है और सेवा क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के GSDP में 31.1% का है। वहीं हम भारत देश के की हम तुलना करते हैं, पूरे देश भर के औसत की तुलना करते हैं तो कृषि क्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ के GSDP में 15.3% कृषि क्षेत्र का योगदान है, वहीं भारत देश में 14.4% है। उद्योग क्षेत्र का GDP में, GSDP में छत्तीसगढ़ में योगदान 53.5% है जो भारत देश के संदर्भ में 30.1% है। वहीं सेवा क्षेत्र में 31.1% का जो छत्तीसगढ़ की GSDP में योगदान है वो भारत देश के लिए 54.6% है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकासशील से विकसित होती जाती है कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है और फिर सेवा क्षेत्र का तीसरे नंबर पर रहता है। और जब विकसित अवस्था में हम जब पहुंचते चले जाते हैं तो कृषि क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है, मतलब कम पॉपुलेशन, कम GDP कृषि क्षेत्र से आती है और उद्योग क्षेत्र से अधिक आने लगती है और सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक आने लगती है। उस दृष्टि से भी हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि सेवा क्षेत्र का योगदान अभी मात्र 31% है हमारे छत्तीसगढ़ की GDP में, जबकि भारत देश की GDP में 54.6% का योगदान सेवा क्षेत्र का है। हमारा छत्तीसगढ़ भी जैसे जैसे विकसित छत्तीसगढ़ होने की ओर बढ़ता जाएगा सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसको बढ़ाना हमारी आर्थिक रूप से चुनौती रहेगी। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में मैं बात करूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम PCI जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति 1,47,361 रुपये है, वहीं भारत देश के संदर्भ में प्रति व्यक्ति 1,85,854 रुपये है। जो वृद्धि का प्रतिशत है प्रति व्यक्ति आय में पिछले साल की तुलना में वो छत्तीसगढ़ में 7.31% है, जबकि भारत भर में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का जो रफ्तार है, ग्रोथ रेट है, वो 7.9% है।
तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि न केवल प्रति व्यक्ति आय हमारे छत्तीसगढ़ में भारत देश के औसत की तुलना में कम है, बल्कि वो प्रति व्यक्ति आय को अगर हमको कैचअप करना है देश की, तो जो वृद्धि की दर है पर कैपिटा इनकम में, वो देश के औसत से अधिक होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के में पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि की दर है 7.31%, जबकि भारत देश में पर कैपिटा इनकम के वृद्धि की दर है 7.9%, वो हमारे वृद्धि के दर से ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम को जो हमारी कमी है उसको भारत देश के औसत से जो हम कम है उसको कैचअप करने की दिशा में भी हम अभी पिछले वर्ष में नहीं बढ़ पाए हैं। इस तरह के आर्थिक आंकड़े अभी हैं और ये आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से आया है। हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और लगातार बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को लेकर के बहुत ही प्लान्ड वे में नियोजित तरीके से एक सुस्पष्ट रणनीति के साथ हम काम कर रहे हैं। ये भारत से तो आप तुलना कर रहे हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो उसमें कितनी वृद्धि हुई है? पिछले सरकार का ही पिछले वर्ष का जो वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है उसमें दो महीने को हम छोड़ दें, तीन महीने को छोड़ दें, तो पिछले सरकार का ही समय है। भारत के औसत से इसलिए हम तुलना कर रहे हैं क्योंकि भारत का जो औसत है देश के विकसित राज्यों को और अविकसित राज्यों को, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट जैसे जो तथाकथित रूप से पिछड़े राज्य रहे हैं, उन सबको जोड़ते हुए एक एग्रीगेट निकाला गया है। उसके औसत से मैं इसलिए तुलना कर रहा हूँ क्योंकि उस औसत से भी हम कम रहेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ इतने प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, देश के आर्थिक विकास के दर से हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रोथ रेट अधिक होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम का भी ग्रोथ रेट अधिक होना चाहिए। देखिए इसमें जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में स्पष्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद अगर हम देखें तो पिछले सालों की तुलना में गिरा है। जैसे 21-22 की हम तुलना करते हैं 22-23 से तो नीचे जा रहा है, एक उद्योग भी नीचे जा रहा है, सेवा क्षेत्र भी नीचे जा रहा है और टोटल जीडीपी भी नीचे जा रहा है। तो क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ? ग्रोथ का रेट वृद्धि की दर कम हुई है, स्लो डाउन हुई है इकोनॉमी, ये साफ तौर पे दिखता है। और मैं कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है उसको मैं यही कहूँगा कि गवर्नेंस का भारी अभाव रहा और जो आय हो सकते थे उन आय को भी नहीं होने दिया गया और हर जगह लीकेजेस रहे। एक एनार्की छत्तीसगढ़ में फैली हुई थी, करप्ट एनार्की मैं उसे कहूँगा, भ्रष्ट अव्यवस्था फैली हुई थी। उसके कारण जो आय सरकार, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कोई सिस्टम बनता है तो सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है और भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है, और जब सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाता है तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। ये जो करप्ट एनार्की पिछले सरकार ने चलाई पिछले 5 वर्षों में, उसी का परिणाम है कि अर्थव्यवस्था की गति भी धीमी पड़ी है, जिसको आने वाले समय में हम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ न केवल राष्ट्रीय एवरेज से, न केवल राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा गति से विकसित होगा, बल्कि और भी पैमानों पर और तेजी से हम विकसित करेंगे। कुछ पूछ रहे हैं, जी देखिए मेरा मूल कंसर्न है कि छत्तीसगढ़ को, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1956 में, मध्य प्रदेश बना 1956 से 2000 तक के छत्तीसगढ़ की जो विकास की कहानी है उसे हम अगर बोलना चाहें तो मूल रूप से शोषण की कहानी थी। हमारा छत्तीसगढ़ में बिजली बनती थी कोरबा में और जगमगाते थे इंदौर भोपाल जैसे। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के बैलाडीला से लौह अयस्क की खदाने से लौह अयस्क निकाला जाता था, लेकिन उसको भेज दिया जाता था दूसरे जगहों पे, उससे पैसा जो आता था वो भी दूसरे जगहों पे लग जाता था। तो 1956 से 2000 तक 44 साल का समय था। इन 44 सालों में लगभग 40 साल से अधिक समय तक एक छत्र राज कांग्रेस का रहा और उस पूरे दौरान छत्तीसगढ़ के विकास की कोई बात नहीं थी बल्कि शोषण की ही बात थी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, उसके बाद छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा प्रारंभ हुई है। जो पर उस समय छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहा जाता था, उसे 15 साल के अच्छे गवर्नेंस देकर भाजपा ने उस स्थिति से बाहर निकालने का काम किया।
लेकिन पिछले 5 सालों में अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ी है। विशेष करके लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो बहुत ही मूल कंसर्न का विषय है, और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम तो है, ये मैं मान लेता हूं कि कम है, एक तरह से स्वाभाविक मान सकता हूं उसको कि हमारे राज्य कंपैरेटिवली पीछे रहे हैं, लेकिन जो वृद्धि की दर है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रहेगा, तभी हम उसको कैचअप कर पाएंगे। उसके लिए हमारी आने वाले 5 सालों में क्या योजनाएं हैं, क्या लक्ष्य हैं, उसे प्राप्त करने की क्या रणनीतियां हैं, उसके लिए कल तक का इंतजार नहीं। आपका कंसर्न और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड बनती है, कोई भी अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित बनती है, तो तृतीय क्षेत्र जिसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं या सेवा क्षेत्र बोलते हैं, उसका योगदान GDP में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो बढ़ता जाता है। कम लोग खेती करके उतना उत्पादन करेंगे वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। सेवा क्षेत्र में योगदान, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ते जाना चाहिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान जैसे कि मैंने कहा 31% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 54.6% का है। तो ये टर्सरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का कम योगदान होना हमारे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक चैलेंज है, चुनौती है। और सबसे बड़ी बात थी, और एब्सोल्युटली राइट, कि छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत सेवा क्षेत्र की वृद्धि का 7.7% है। तो न केवल हमारा योगदान सेवा क्षेत्र में कम है, बल्कि सेवा क्षेत्र में जब कम है आपका योगदान तो वृद्धि की रफ्तार तेज होनी चाहिए। तो न केवल हमारा सेवा क्षेत्र में योगदान कम है, बल्कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार भी राष्ट्रीय औसत से कम है, तो जो गैप है और बढ़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र को भी हम आगे बढ़ाएं, और उसमें जैसा कि आपने कहा IT सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम एक वृहद रणनीति के साथ कल आने वाले बजट में आपसे चर्चा करेंगे, बजट प्रस्तुत करेंगे। कल के बजट को भी कुछ संकेत थीम के साथ आप लोग मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में हमारे आर्थिक विकास का, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का हमारा रोड मैप क्या होगा, वह हम प्रस्तुत करेंगे। बजट, कल का बजट केवल छत्तीसगढ़ के आय व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को, एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्या हमारे रणनीति होगी, हमारी क्या रणनीतिक स्तंभ होंगे, क्या हमारे स्ट्रेटजिक पिलर्स होंगे, उसे प्रकट करने वाला बजट होगा। बजट को आय व्यय के दस्तावेज के रूप में ही नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि किसी सरकार के, किसी राज्य के एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यही चीज को हम कल के बजट में प्रदर्शित करेंगे। और एक चीज मैं आपको हिंट के रूप में बोलना चाहूँगा कि सारे जगह गवर्नेंस स्थापित करना, गुड गवर्नेंस स्थापित करना, सिस्टम स्थापित करना, और उस सिस्टम को स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, तकनीक के माध्यम से रिफॉर्म्स लाना, गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना, और उससे तीव्र आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना, ये हमारा थीम, आर्थिक थीम रहेगा। उसके सांस्कृतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष के अन्य रूपों का भी आपको स्वरूप दिखेगा कल के बाद। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC नहीं है, वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, इसलिए वो जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं। 2000 में गुजरात सरकार ने उनको OBC घोषित किया। मोदी जी ने कि जो उनकी जो विजन है, उनका जो नजर है, वो देश को बांटने वाली ताकतों से ऊपर उठाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए है। मोदी जी की विजनरी नज़र चार भागों में, चार स्वरूपों में समाज को देखती है, जिसे हम ज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं, GYAN, जी गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता,
और एन नारी, इन चार स्वरूपों में मोदी जी की विजनरी नज़र हमारे समाज को देखती है। और चाहे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम उनके पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने SC समाज से चुना, दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ST समाज से चुना, जो आज़ादी के 50 सालों के 70 सालों में पहले सभी संभव नहीं हुआ था। OBC वर्ग को उन्होंने मंत्रिमंडल में सर्वाधिक ऐतिहासिक रोल दिया। ये सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी के जाति पर राहुल जी सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो साहू होते हैं वो गुजरात में इसी समुदाय को बिलोंग करते हैं, यह एक पक्ष है, जाति का पक्ष। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाह रहा हूँ कि मोदी जी पर सवाल उठाने से पहले वो नकली गांधी को जवाब देना चाहिए और इतिहास बताना चाहिए कि वो राहुल नेहरू से कैसे राहुल गांधी बने, और प्रियंका वाड्रा को जवाब देना चाहिए कि वो वाड्रा है, नेहरू है या नकली गांधी है।